हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैन केयर। गाइस, जो वीडियो लेकर आई हूँ मैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप ये कुछ टिप्स ज़रूर से फॉलो किया करें जो कि आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने में, अच्छा बनाने में, आपकी स्मूथ प्रेगनेंसी होगी। तो इन टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप वैसे तो अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो, लेकिन कुछ टिप्स को भी जब आप फॉलो करते हो तो आपको दोगुना बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और बेल आइकन को जरूर से हिट करेगा क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको तभी मिलेगी। अगर वीडियो में थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा तो गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आप सभी को बताया कि थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ज़रूरी टिप्स ये है कि सबसे पहले आपको मॉर्निंग का रूटीन बना लेना है। सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट आपको ज़रूर से वॉकिंग करना है। ओनली वॉक करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज ही करनी है, योगा ही करना है। चलना भी काफ़ी हमारे लिए, सेहत के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही साथ नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपको जो खाना खाना है वो ऑलवेज़ मेक श्योर ये करना है कि रात के खाने की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि रात को 7:30-8 बजे के बीच में ही खा लेना है। बहुत ज़्यादा लेट नाइट नहीं करना है। दोपहर का खाना भी बिल्कुल आपको टाइम से खाना है। बीच बीच में तो आपको खाना ही है, हर एक 2-2 घंटे पे खाना है, लेकिन रात को काफ़ी देर से खाना ना खाएं क्योंकि इससे अनपच की शिकायत, गले में जलन वगैरह, एसिडिटी वगैरह बनने की शिकायतें हो जाती हैं। तो इसलिए आप ज़रूर से मेक श्योर ये करें कि रात का खाना प्रॉपरली 7:30 बजे तक आपका या 8 बजे तक, उससे ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि उसके बाद जब आप कुछ एक्टिविटी कर लेते हो तो वो सही हो जाता है। अदरवाइज बस खाया और लेटा तो फिर आपको दिक्कत होनी ही है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें। थर्ड जो चीज़ है तो ये भी आपको ध्यान रखना है जो कि ज़रूरी चीज़ है, आपको ऐसा कोई भी वर्क नहीं करना है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का कोई ऐसी चीज़ हो, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो। कई देखिए, कई ऐसे गांव की लेडीज़ भी होती है जो घर का सारा काम करती हैं, हर एक चीज़ करती हैं, है ना। हम सभी जानते हैं कि गाँव की जो लेडीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं, उसके बाद भी उनकी प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छी होती है, सही होता है सब कुछ। लेकिन कई ऐसा भी होता है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बावजूद अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं उनसे, तो बिल्कुल आप उन सारी चीज़ों का अवॉइड करिए। और अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आप अच्छा फील अंदर से करते हो, तो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर का वर्क हर वुमेन को करना पड़ता है, थोड़ा बहुत अगर आप करोगे, अपने आप को जंग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान पे आप जितना वर्क करोगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो आप उसके बावजूद भी कर रहे हो और आपको तकलीफ होगी। तो इस वजह से आपको ज़रूर से ये ध्यान रखना है कि अगर आपको अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो कि आप बहुत ही अच्छे हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन किसी भी तरीके से नहीं हुई है आपके साथ में, तो आप सारा वर्क कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम झाड़ू पोछा कर सकते हैं कि नहीं, हम कपड़े धो सकते हैं नहीं, हमें कब से झाड़ू पोछा वगैरह करना चाहिए। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा काम आप करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, फर्स्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें थोड़ी सी आप चीज़ें को इग्नोर करिए। ऐसी जगहों पर ट्रैवल ना करें जहाँ पर आपको भीड़ भड़के वाली जगह हो, जहाँ पे एरिया थोड़ा सा ख़राब हो, है ना, जहाँ पे जगह रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो वैसी जगहों पे ट्रैवल ना करें। क्योंकि आपकी जो प्रेगनेंसी होती है, फर्स्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है, इसमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से बिल्कुल ना करें। और बाकी के जो भी 2 ट्राइमेस्टर होते हैं, 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर, उसमें भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहाँ पे तकलीफ़ हो आपको, क्योंकि कई बार ऐसी जगहों पर जब आप चलते हो तो बेबी कई बार डाउन पोजिशन पे बहुत जल्दी आ जाता है। तो इस वजह से भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो रही है तो चलो ठीक है, लेकिन हम इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी एक ऐसा जर्नी हो जाती है ना जो कि सेंसिटिव होती है, आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप बाहर का खा रहे हो, ठीक है, बाहर का खाने का मन करता है, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आपने गोलगप्पे खा लिए और घर पे आके आपको लूज़ मोशन लग गए, ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत बार ऐसा होता है प्रेगनेंट वुमन के साथ में, क्योंकि सेंसिटिव होती है और कैसा है, हाइजीन मेंटेन है नहीं है रखना। आपको हाई हील्स वगैरह बिल्कुल इग्नोर करनी है, आपको बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि जब आप टाइट कपड़े पहनते हो तो आपको वैसे ही गुमस होने लगती है, ठीक है, आपको अजीब सा बेचैनी वगैरह लगती है, तो कई बार कई वुमेंस चक्कर वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है। क्योंकि वैसे ही चक्कर आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान पे, और आप टाइट वगैरह कपड़े पहन लिए, ऐसी जगह पर चले गए, गर्मी वैसे ही है इतनी ज़्यादा, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि लूज़ कपड़े पहनिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, हल्के कपड़े पहनिए, इन सारी चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं गाइस, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए।
जैसे कि साड़ी वगैरह पहनना, अब कई जगहों पे साड़ी ही पहनते हैं लेकिन उन्हें भी एक आदत हो जाती है ना। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो, आपकी फैमिली कंफर्टेबल है सूट वगैरह के साथ में, टॉप ट्राउज़र के साथ में, तो आप वो सारी चीज़ें भी पहन सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, मेक श्योर ये करें आप जब भी खाना खाएं बनाते हो तो उन्हें बॉयल करके बनाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप बॉयल करके बनाते हो खाना वगैरह तो वो सारा जो उनका बैक्टीरिया वगैरह है वो निकल जाता है, तो आपको नुकसान थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का प्रॉपर ज़रूर से ख्याल रखें। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके क्वेश्चंस हो गए तो उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप पूछिएगा ताकि मैं उनका आंसर आपको दे सकूं। ये मुझे जहाँ तक लगा कि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूर से ध्यान देने वाली बात होती है, तो इन चीज़ों पे आप ज़रूर से ध्यान दीजिए। बहुत ही ज़्यादा अगर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है या थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा बाइक पर सफ़र ना करें, ठीक है, क्योंकि वो जो टाइम होता है, टाइम पीरियड जो होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप बाइक पर सफ़र ना करें, ठीक है। थोड़ा सा अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट है तो बिल्कुल भी उस चीज़ को अवॉइड करिए, ठीक है। 5-10 मिनट की बात अलग होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, देखिए कई लोग के यहाँ होते, जैसे मेरे घर पर मैं 4th फ्लोर पर रहती, लेकिन मुझे चढ़ना उतरना पड़ता ही था। लेकिन आप कोशिश ये करें जब भी आप चढ़ते उतरते हो सीढ़ियों पर, हमेशा बेबी स्टेप्स रखने की कोशिश करें, दो दो पैर कदमों का इस्तेमाल करें, एक सीढ़ी पे डबल पैरों का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि फटाफट उतर रहे हैं, फटाफट हम चढ़ रहे हैं, वैसे बिल्कुल ना करें, बेबी स्टेप्स लेने की कोशिश करें। चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या आपका पर्सनली कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के